हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे सूखी खांसी को कैसे ठीक करें। सूखी खांसी को ठीक करने के कुछ रामबन घरेलू उपाय बताऊंगी, जिससे आप फॉलो करके सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सूखी खांसी कैसा होती है। जैसे कि सूखी खांसी होता है, जैसे कि आप ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं लेकिन बलगम नहीं आता है, सीना में जोरों का दर्द हो जाता है खास खास कर, और बहुत परेशानी होती है सूखी खांसी में। बहुत दिनों तक चलता है सूखी खांसी, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जो बलगम वाला खांसी होता है उससे तो हम आसानी से कुछ घरेलू उपाय अजमाते हैं या डॉक्टर के पास सलाह लेते हैं या इसे आप घरेलू उपाय से ठीक कर लेते हैं जल्द से। लेकिन जो सूखी खांसी होता है काफ़ी परेशानी करता है, तो उसे कैसे ठीक करें इसके लिए मैं कुछ आसान टिप्स लाई हूँ, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आसानी से सूखी खांसी को आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। आपको कितना भी दिनों से सूखी खांसी हो, काफ़ी दिनों से परेशान हो और जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका सूखी खांसी सब बहुत परेशान है नहीं ठीक हो पा रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको लेना है अमरूद का पत्ता। अमरूद का पत्ता लेना है 4 से 5, उसको आप अच्छी तरह से जला लें और उसको आप पीस ले, यानी कि चूर्ण के टाइप बनाना है अमरूद के पत्ता को जलाकर। और जब आप अच्छी तरह से उसको पीस लेंगे, चूर्ण बना लेंगे, तो आप उसे रख लें और शहद के साथ आधा चम्मच लेना है अमरूद का चूर्ण पत्तों का और आधा चम्मच शहद, दोनों को अच्छी तरह से मिला के दिन में 3 बार आपको लेना है, सुबह दोपहर शाम 3 से 4 दिन लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा सूखी खांसी में। सूखी खांसी को ठीक करने का बहुत ही अच्छा है और सरल उपाय है, और इससे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सूखी खांसी जो होता है थोड़ी देर होती है उसे ठीक होने में, तो आप घबराए नहीं, 3 से 4 दिन तक ले, बिल्कुल आपको आराम मिलेगा, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। बहुत ही सरल है और इसे आप आसानी से करके सूखी खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। इस सूखी खांसी को ठीक करने का दूसरा उपाय है कि आप आम का गुठली लें और उस गुठली को जो बीज होता है अंदर का उसको आपको हटा देना है, और आम के गुठली का जो रेशा होता है उस रेशों को आप अच्छी तरह से जला लें, और उस रेशों को आम का गुठली का रेशा लेना है आपको, और उस रेशों को अच्छी तरह से जलाना है, और जलाकर एक भस्म यानी कि चूर्ण की तरह आपको बना लेना है, उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, पीसना है, और आपको सुबह शाम शहद के साथ आधा चम्मच के बराबर में लेना है, आधा चम्मच शहद ले और आधा चम्मच को जो चूर्ण बना है आम के रेशे का वो लेना है। आपको कुछ ही दिन तक लेंगे तो सूखी खांसी जो होता है उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, और कुछ दिनों तक आप लेते रहे, जब कम से कम आपको लेना है 1 सप्ताह तक। तो सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म करता है नुस्खा, स्पेशल सूखी खांसी के लिए ही यह नुस्खा काम करता है, काफ़ी अच्छा है। तो यदि आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो इस घरेलू उपाय को अजमाकर सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।